मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया लॉकडाउन की अवधि। मध्य प्रदेश में बाजार अब 3 पार्ट में खुलने की तैयारी। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है और जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3 पार्ट में खोले जाने की तैयारी है। कौन से पार्ट हैं और कैसे कौन कौन से जिले बंद किए गए हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें और ऐसे अधिक लोगों तक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों, संक्रमण के खतरे को देखते हुए भोपाल में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान राशन की परेशानी ना आए, इसके लिए जिला प्रशासन ने सांची पार्लर पर किराना रखना और वहां से सप्लाई की व्यवस्था शुरू कर दी है। वहीं नगर निगम की कचरा गाड़ियों के माध्यम से भी लोगों से उन्हें राशन की जरूरत और घर का पता मांगा जा रहा है, जिससे अगले दिन उन्हें राशन की होम डिलीवरी की जा सके। इधर लगातार 5 दिन के बाद संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। 7 अप्रैल को जहां कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले आए थे, वहीं 8 अप्रैल को 12 और 9 अप्रैल को ये घटकर 4 पर पहुंच गए हैं। हालांकि लॉकडाउन के 17वें दिन आज सुबह 10 नए केस सामने आए हैं। इस तरह से भोपाल में संक्रमित मरीजों की संख्या 109 हो गई है। शहर के 80 से ज़्यादा इलाकों को सील कर दिया गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के बाद अब गांधी मेडिकल कॉलेज को 2 जूनियर डॉक्टर कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार देर रात आई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है और दोनों पॉजिटिव जूनियर डॉक्टर PHM और स्त्री रोग विशेषज्ञ में कार्यरत हैं। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद GMC के प्रभारी डीन डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने भी सभी HOD को इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया है। इसी के साथ ग्वालियर बाजार अब 3 पार्ट में खोलने की तैयारी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रशासन पुलिस के सहयोग से बाजार 3 पार्ट में खोलने की तैयारी कर रहा है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को लश्कर, उपनगर, ग्वालियर और मुरार में खोली जाएंगी। इस दौरान पूरा फोर्स एक ही क्षेत्र सोशल डिस्टेंस से बिक्री कराएगा। शहर में लॉकडाउन के चलते आम आदमी घर में ही रुकने की राजी नहीं है। खास तौर पर जरूरत के सामान की मांग चलते काफी विरोध पुलिस को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के अफसर 3 भागों में बटे शहर को एक दिन के अंतराल से खोलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। फोर्स कम है, एक दिन में एक भाग का बाजार खोला जाएगा। प्लानिंग के अनुसार पुलिस के पास फोर्स कम है, ऐसे में एक दिन के अंतराल पर एक भाग का बाजार खोला जाएगा। इस दौरान सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री हो सके। ऐसे में शहर का फोर्स एक भाग में दुकानों का पर तैनात कर दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस करके सामान की दुकानों के से बिक्री हो सके। इसके लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का सामान तय किया जाएगा। 6 घंटे में आराम से लोग सामान खरीद सकेंगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल भी निर्मित नहीं हो पाएगा। NCC व NRS के NRS के से लेंगे मदद। दोस्तों, NCC व NRS के लोगों की को पुलिस प्रशासन वॉलंटियर बनाने का जा रही है, जिससे पुलिस का पार्ट में बाजार खोलने की प्रक्रिया में मदद मिल सके। पर्याप्त फोर्स होने की पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकेगा।